जय हिंद फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आपको बता दें सबसे पहले ये फ्रंट पेज का न्यूज है द हिंदू का। यहाँ पे कवर करने वाला हूँ मैं इंडिया की कनाडा की क्या रिलेशन है और क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अभी रिसेंटली अगर बात करी जाए उस मुद्दे पे हम देखेंगे। सबसे पहले बता दें टेम्पल में जो कनाडा है, कनाडा के टेम्पल में अटैक हुआ है। वहां पे ज्यादातर हिंदुओं को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। क्या इशू निकल के आ रही है अगर कनाडा को कंसिडर करें तो यहाँ पे प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट हो रहा है और हिंदू सभा टेम्पल जो टोरंटो में मंदिर थी वहां पे इस प्रकार की चीजें एक्सकलेट हुई है। अब क्या होता है, इंडिया प्लस कनाडा इन दोनों के रिलेशंस बहुत ही निचले स्थल पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस यहाँ के जो जस्टिन ट्रूडो हैं लीडर, इन दोनों में बहुत ही तीव्र गति से रिमार्क निकल के आ रहे हैं। इंडिया ने स्लैम किया है इस चीज को कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार की बातें बोली जा रही है। तो ब्रॉम्पटन एक जगह है टोरंटो में, वहीं पे इस प्रकार की इश्यू निकल के आई है। तो वहां पे मंदिरों में जाते हुए लोगों को वायलेंसेस फेस करने पड़े हैं। अब हम थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेलिंग को देखेंगे ताकि वो चीजें हमें समझ में आए। उससे पहले यहाँ पे एक चीज और है न्यूज, तो बाई इलेक्शन होगी 14 असेंबली सीट पे जो 20 नवंबर तक यहाँ पे रोकी गई है। तो याद रखिएगा बाई इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस जो इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस होते हैं उनमें अगर सीटें कोई वैकेंट करती हैं तो उसी को बाई इलेक्शंस के रूप में कराई जाती हैं 6 महीने के भीतर। तो यही बाई इलेक्शन होते हैं। इंडिया कनाडा की रिलेशंस की अगर बात करेंगे हम, इंडिया और कनाडा की रिलेशंस बैकग्राउंड डिटेलिंग में ये आपके सामने मैं लाने जा रहा हूँ। इंडिया और कनाडा की अगर बात करें तो इतिहास है हम लोगों का, हिस्ट्री है इसमें इंडिया और कनाडा में। आपको बता दें 1913 में बहुत सारे भारत के रिवोल्यूशनरीज यहाँ पे जाके अपना काम कर रहे थे जो भारत को फ्रीडम दिलाने में बहुत हद तक सहायता भी किए। तो आपको पता ही होगा 19 सेंचुरी से लेकर के आज तक बहुत ही अच्छे से भारत का रिलेशन इंडिया कनाडा के बीच में चल रहा था। इंडिया कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन तो है ही, साथ में साथ अगर बात करी जाए इंडिया और कनाडा की तो कॉमनवेल्थ नेशन और G20 का पार्ट भी दोनों है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है क्योंकि पिछली बार वियतनाम से इन्होंने क्वेश्चन उठाया था, बांग्लादेश से क्वेश्चन उठाया था, इस बार कनाडा भी हो सकता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस उठा के एक कंट्री की डिटेलिंग पूछ लेते हैं। 2023 की अगर बायलेटरल ट्रेड रिलेशन को हम इन दोनों देशों के बीच में देखें, बायलेटरल ट्रेड रिलेशन वही होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में क्या रिलेशन है, यानी दो देश के बीच की रिलेशन को बायलेटरल रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 9.36 बिलियन के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे दोनों कंट्री का यहाँ पे क्या था, व्यापार का रिश्ता था। इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया केमिकल, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल इस चीज में एक्सपोर्ट करता है कनाडा को 5.56 बिलियन। वहीं पे कनाडा की बात करी जाए तो आयरन और स्टील, ऑयल, पेट्रोलियम इस प्रकार का हमें एक्सपोर्ट करता है इंडिया में जो कि 3.8 बिलियन डॉलर का वर्थ रखता है। टोटल को अगर कंसिडर करेंगे तो यही आंकड़ा निकल के आ जाएगा। यहीं पे अगर और पीछे जाके 1975 में जो इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें देखा जाए तो जो फिजनेबल मटेरियल है, जो रिएक्टर था उस डिवाइस का, वो सिंथेसाइज किया गया था किससे, कनाडियन सप्लाइड साइरस न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर। तो यही सप्लाई किया था, याद रखिएगा साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये इसी रिएक्टर की मदद से हम लोग इस चीज को बहुत हद तक रिसर्च कर सके थे। आज के कंसर्न में अगर देखा जाए तो क्या इश्यू निकल के आ रहा है, तो काइना कह रहा है कनाडा जो है इंडिया का बहुत हद तक जो डिमांड है उसको क्रैक डाउन कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और जो फाइनेंस है वो खालिस्तान को दे रहा है। खालिस्तान एक ऐसी चीज है, खालिस्तान क्या, पहले इश्यू एक देखेंगे हम। अगर ये मान लें आपका कि ये भारत है आपका, हालांकि बहुत अच्छी तो ड्रॉइंग है नहीं लेकिन फिर भी मान लीजिए, तो ये वाले पार्ट को लेके, पंजाब का कुछ पार्ट लेकर के
ये खालिस्तान का डिमांड करते हैं कि ये हमें फ्री कंट्री के रूप में घोषित करे इंडिया। वही पंजाब का कुछ पार्ट लेके ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं। उसी को लेकर के कनाडा में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो एक्टिव हैं और वो हमेशा डिमांड करते हैं कि प्रो खालिस्तान नेशन हम बना के रहेंगे। इसी बीच में क्या इशू निकल के आई, तो हरदीप सिंह निज्जर इसी प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे, इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा कनाडा ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि इसके मृत्यु के पीछे असासिनेशन है, मतलब असासिनेशन किया गया, इनको जान से मारा गया, हरदीप सिंह निज्जर, ये नाम याद रखिएगा, हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया। और ये मारने वाले इंडियन गवर्नमेंट के ही नुमाइंदे हैं, यानी सीधे इंडिया गवर्नमेंट पे फोकस कर दी ये कनाडा लोग। तो कनाडा की गवर्नमेंट भी यहाँ पे यही चीजें निकल के आई, जिसके कारण इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशन बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। दोनों कंट्री की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक एनवाय जो पहले हुआ करते थे, आज के डेट में दोनों अपने अपने कंट्री से अपने अपने कंट्री में बुला लिए। तो इंडिया कनाडा की अगर रिलेशन देखें तो 19वीं शताब्दी से लेकर के आज तक अच्छे से चली है, और जवाहरलाल नेहरू के समय में भी अच्छे से चली है। 2015 में जस्टिन ट्रूडो आते हैं वहां के लीडर, 2015 में जस्टिन ट्रूडो, उनके आने के बाद से अभी तक 2020-22 तक बहुत अच्छे से चली है। G20 की जो भारत में मीटिंग हुई है उसी के बाद से ये सारी चीजें एक्सकलेट हुई है, उसके पहले भी एक्सलेट हो चुकी थी, वो स्टार्टिंग फेज में थी। इनकी जो मृत्यु हुई उसके बाद और ज्यादा टेंशन फैल गई। आपको बता दें सबसे ज्यादा भारत में, भारत से इमिग्रेशन की बात करी जा रही है, तो इमिग्रेशन जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, कहाँ पे, कैनेडा में। अब ये बहुत ही बड़ा नंबर है, कोई छोटा सा नंबर नहीं है, 3 लाख+ स्टूडेंट की बात करी जाए तो बहुत बड़ा नंबर आता है। ये नंबर अपने आप में इतना खास है कि ये दर्शाता है कि भारत से और कनाडा से कनेक्टिविटी किस हद तक यहाँ पे है, तो इस कनेक्टिविटी को भी दर्शाता है ये, जिसके कारण आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग कनाडा से किस हद तक जुड़े हुए हैं। क्योंकि केवल यहाँ पे एजुकेशनल फील्ड नहीं है, यहाँ पे ट्रेड वाली फील्ड थी, यहाँ पे अपने सिख कम्युनिटी भी जाके वहां पे वसिंदा के रूप में है, अब वसिंदा के रूप में नहीं है, उनकी पार्लियामेंट में भी जा करके हम लोग बैठे हैं, लीडर बने हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर रही है। इसीलिए ये प्रो खालिस्तान का इशू आज के डेट में निकल के आ रहा है। बहुत सारे इंडियन सिख वहां पे जाकर के लीडर बने हैं, वहां पे उनका घर है, सब कुछ वहां पर है, और वो वहां पे उस कंट्री में नेता के रूप में भी है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, जिसके कारण बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। अब लोकेशन देख लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है कनाडा है कहाँ एक्चुअली में। अगर बात करी जाए तो ये आपका कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। मेरा क्वेश्चन आपसे आज ये रहेगा कि ये जो लाइन है इस लाइन का क्या नाम है, कि दोनों को जो सेपरेट करती है ये लाइन, इसी लाइन का आपको नाम बताना है। और डिटेलिंग से बात करी जाए तो इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये आपका कनाडा हो गया, ये हटसन बे हो गया। जब भी आप मैप देखिए तो अगल बगल की चीजों को देखिए, उससे क्या होगा, एक बारीक सूक्ष्म निगाह आपकी डेवलप होगी, चीजें कहाँ कहाँ लोकेशन पे क्या है। अटलांटिक ओशियन ये हो गया, लेब्राडोर सी ये हो गया, बेफोर्ड सी हो गया। इस चैनल का नाम बताइए, क्या यहाँ पे स्ट्रेट है, ये एक स्ट्रेट है, दो नैरो लैंड के बीच में एक छोटा सा अगर सीज होता है तो इसको स्टेट बोलते हैं। ये अलास्का है जो यूएसए के अंडर में आता है। यहाँ पे ये बहुत सारी लेक्स हैं, इसको HOMES इस नाम से आप एब्रिविएशन बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हुरन्स लेक, ओंटेरियो लेक, मिशिगन लेक, ईरी लेक, इस प्रकार से यहाँ पे ये सारे बहुत सारे लेख हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, ये होम्स बना सकते हैं आप एक कीवर्ड। हडसन बे से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे इसके जो आइलैंड है इससे तो क्वेश्चन बने हुए हैं। आशा करते हैं इसकी सारी डिटेलिंग आपको अच्छी लगी होगी। कुछ प्रोविंसेस के बारे में बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सस्काचीव और मनीटोबरा, ओंटारियो, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। ओट्टावा इसकी कैपिटल है, क्यूबेक और न्यूफाउंडलैंड एंड लेबराडोर, ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, यूकॉन
और नुनावुत, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, आपको जानना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट प्रोविंस के बारे में तो जानना ही चाहिए। आशा करते हैं जो भी डिटेलिंग आपको यहाँ पर मैं दिया बैकग्राउंड डिटेलिंग के साथ वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही सारा इंस्पिरेशन मिलती है फ्रेंड्स, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए वीडियो बनाने में हमें मदद मिले। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम फॉर एक्शन यहाँ पे इसकी हेडलाइन है, ये क्या कह रही है उसी को हम कंसीडर करेंगे। सबसे पहले बता दें क्या ऐसा बात हो गया है जो एक्शन का समय आ गया है। यहाँ पे आपको बता दें कॉन्क्रीट एक्शन लेने की बात करी जा रही है, किस किस चीज को लेके, तो क्लाइमेट को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए मिटिगेशन की बात करी जा रही है। आने वाले कुछ ही समय में अजरबैजान की कैपिटल बाकू, इससे कई बार क्वेश्चंस इसकी कैपिटल को पूछी गए हैं। यहाँ पे अजरबैजान के कैपिटल बाकू में 2 वीक की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाली है। याद रखिएगा 2 वीक की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आएंगे कि किस प्रकार से आगे के समय में हमें क्लाइमेट को लेके चलना है, क्लाइमेट टारगेट को लेके चलना है, क्लाइमेट इश्यू को लेके चलना है, ये सारी चीजें इसमें बात हो जाएंगी। अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस को ऊपर नहीं जाने देने का बात हम लोग किए थे जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में। लेकिन क्या है कि ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे रुकेगा कैसे अगर हम इतना ही कार्बन को इमिशन करेंगे, तो कार्बन इमिशन बढ़ता हुआ जा रहा है जिसके कारण बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। 2025 तक बोला गया ये पीक पे जाएगा, फिर पुनः अगर बात करें 2030 तक इसको 43% की डिक्लाइन मानी जा रही है। ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को कम करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग यहाँ पे इसको सही ढंग से मिटिगेट कर पाएंगे, नहीं तो ये ऐसे ही पीक पे जाता रहेगा हर वर्ष। 2.6% डिक्रीज इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2030 तक, इस गति से चलें तो 2.6% ही होगा। अब इस प्रकार से अगर हम चलें रेंग रेंग के तो कैसे टारगेट तक पहुंचेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज कितने नंबर पे आता है, तो 12, 13, 14, 15 किसमें रखा गया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यहाँ पे नेक्स्ट बात करी जा रही है कि जो कॉम्प्रोमाइजेज हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल से और पुअरर से हमें करनी पड़ेगी, जो रिच कंट्री हैं उन्हें भी फोकस करना पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्री हैं जो इंडिया जैसी उनको भी यहाँ पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि डेवलपिंग है तो वो और ज्यादा इच्छुक बने कि हमें डेवलपिंग से रिच कंट्री बनना है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने की बात क्यों कह रही जा रही है, डेवलपिंग से डेवलप्ड, तो डेवलपिंग से डेवलप्ड आप तभी बन पाएंगे जब बहुत ही ज्यादा अपना इंडस्ट्रियल प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इसको डेवलप करेंगे, तो ये डेवलप करेंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा तभी जा करके आप डेवलप कर पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल है ही नहीं आज के संदर्भ में। इतना ज्यादा तो रिन्यूएबल एनर्जी किसी कंट्री में है ही नहीं जो पूरी की पूरी एनर्जी से चला सके, सारी मार किस चीज की है, एनर्जी की सारी मार है, जिस कंट्री में ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका निकाल के लाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलप्ड बनने की राह देख रही हैं, उनको कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल की ट्रेजेक्टरी को ध्यान में देना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब है, यहाँ पे सीधे वही नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है जो कार्बन इमिशन करती हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस प्रकार की कोल हो गए, इस प्रकार की बात करी जा रही है, तो हमें इस पे कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। हालांकि बात करी जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसको सही मायने में हमें लेके चलना पड़ेगा। 2010 में जो क्लाइमेट समिट हुआ था कॉपेनहेगन में, तो 2009 में हुआ था कॉपेनहेगन में, वो उसमें क्या हुआ था, डेवलप्ड कंट्री ये इस बात पे राजी हुई थी कि डेवलपिंग नेशंस को हम 100 बिलियन एनुअली देंगे 2020 तक, $100 बिलियन तो 2020 तक, लेकिन कितना मिला ये सब हम लोग जानते हैं। तो जो फाइनेंस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री तो भाई कार्बन इमिशन करके अपना डेवलप्ड हो गई, और जो डेवलपिंग नेशन है
जो इमर्जिंग नेशन है, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है, तीन कैटेगरी में मैं रख रहा हूँ। तो पहला अगर बात करी जाए तो जो डेवलपिंग कंट्री है, जो इमर्जिंग कंट्री है, लिस्ट डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री है LDC, आज जो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड नेशन मान लीजिए ऊपर जा चुकी है, ये अभी कार्बन इमिशन करेंगी, ये दोनों कंट्री ये कर रही हैं अभी, तो कार्बन इमिशन ये दो करेंगी तभी तो डेवलप हो पाएंगी, नहीं तो ये कंट्री तो अपना डेवलप करके कार्बन को बहुत ज्यादा इमिट करके वातावरण को पोल्यूशन करी है। तो ये इनका कहना है कि हम क्यों नहीं अपने आप को उस मुकाम तक लेके जाएं, हमें ये बताइए। इसीलिए ये कंट्री इनको मुआवजा देंगी, एक फिनांस फिनांस वाली बातें करी जा रही है, उनको हम कहीं ना कहीं फाइनेंस करेंगे, वो कार्बन इमिशन ना करें, वो रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो जाए, यही यहाँ पे बातें करी जा रही है। तो जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी कि फिनांस हुआ होगा $100 बिलियन का 2020 तक, वो कहाँ आके दिखी, तो उसमें कुछ दिखा ही नहीं क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के। तो इसमें बहुत सारा डीले भी हुआ, क्रेडिटिंग सिस्टम में समय पे मिला भी नहीं, कुछ मिला कुछ नहीं भी मिला। इसलिए अब नया चीज निकल के आ रहा है, क्या यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में जो हुआ था 2016 की अगर बात करी जाए, तो कंट्री डिसाइड की थी कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG 2025 से पहले ये लाया जाएगा। तो अब इसमें $100 बिलियन की बेस रखी गई है, बेस वैल्यू, और जो मेजर इमिटर हैं चाइना, इंडिया, लार्ज इकोनॉमी, मेजर पोल्यूटर हैं, ये इनको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा 100 बिलियन में। तो भाई जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इमिटर है उसको सबसे ज्यादा $1 बिलियन देना पड़ेगा, और उसको देना पड़ेगा जो कंट्री कम इमिट कर रही है, तो जो कंट्री कम इमिट कर रही है उसको देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इमिटर कौन है? चाइना है, यूएसए है, इंडिया जैसी कंट्री है, तो ये कंट्री आ रही है सबसे ज्यादा। हालांकि चाइना यूएसए का रोल बहुत ज्यादा है, इंडिया कुछ ही हद तक है, लेकिन यहाँ पे अगर रैंकिंग की बात करी जाए तो हम भी आते हैं उसमें, तो हमें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यही इश्यू निकल के आ रहा है। और इम्पोर्ट इज कार्बन मार्केट, तो यहाँ पे कार्बन को किस तरीके से कार्बन ट्रेडिंग किया जाए, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन सर्टिफिकेट, ये सब देने की बात करी जा रही है। लॉन्ग अगर बात करी जाए तो किस हिसाब से लंबे समय तक इसका समाधान हो सकता है। जनरेशन की बात करी जा रही है, कार्बन ऑफसेटिंग मेजर, कि हम किस प्रकार से कार्बन क्रेडिट को हम ट्रेड करेंगे। कार्बन क्रेडिट जो, जैसे मान लीजिए एक कंट्री है भूटान, भूटान ने एकदम नेगेटिव में ही कार्बन इमिशन किया, कार्बन इमिशन नेगेटिव किया, तो इसको कार्बन क्रेडिट मिलेगी, मतलब एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपको बहुत सारी जगहों पे इसमें रियायतें मिलेंगी, प्लस आपको फिनेंस भी सपोर्ट भी मिलेगा। तो इस प्रकार की चीजें होती थी कार्बन क्रेडिट। दूसरी जो बातें करी जा रही हैं यहाँ पे कि एक हालमार्क होना चाहिए क्लाइमेट नेगोशिएशन में, कि किस प्रकार से हम इस डायलॉग को लेके चलेंगे और कैसे कार्बन को कम करेंगे, तो जो गोल था उस पे फोकस करने की बात करी जा रही है। और यही समय है कि हम कॉन्क्रीट एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक फर्म एक्शन लें, क्योंकि हर प्रकार का कन्वेंशन ऑफ पार्टीज हुई है। अगर कन्वेंशन ऑफ पार्टी की बैकग्राउंड डिटेलिंग देखें तो आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ऑफ पार्टी हमें दे दिए हैं। 1995 में शुरुआत होती है COP 1 की बर्लिन जर्मनी से, उसके बाद आती है हम 97, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं कवर किया हूँ, केटो जापान, COP 3 में केटो जापान में होता है। ये वही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज यही कराता है, याद रखिएगा, ये बॉडी कराता है। अब COP 8 नई दिल्ली में होती है, COP 13 बाली इंडोनेशिया में होती है, COP 10 कानकून मैक्सिको में होती है, COP 17 डरबन साउथ अफ्रीका में होती है, COP 21 पेरिस फ्रांस में होती है, COP 16 मोरक्को में होती है, और COP 23 की बात करी जा रही है तो बॉन जर्मनी में हुई, COP 24 कोटाविस पोलैंड में हुई, COP 25 मैड्रिड स्पेन में हुई है, COP 26 ग्लासगो में हुई है, COP 27 इजिप्ट में हुई है, COP 28 रिसेंटली हुई है, ये आपके आबू धाबी में हुई है। अभी रिसेंटली जो होने वाला है वो उसी की बात करी जा रही है, नवंबर में ये होगा एक दो हफ्ते के लिए, तो ये बाकू अजरबैजान में होगा, बाकू कैपिटल है अजरबैजान की, यहाँ पे होने वाला है। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। नेक्स्ट
आर्टिकल की तरफ चलेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि झारखंड असेंबली में बहुत सारी ऐसी बिल हैं जो बहुत तीव्र गति से पास कर दी गई हैं बिना किसी डिस्कशन से। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल के आ रहा है कि अगर एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, तो इसको बिना डिटेल्ड डिस्कशन किए आप कोई भी बिल पास नहीं करा सकते। क्यों? तो अगर बात करी जा रही है बिल पास करने की, तो ये छठी झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली है जो नवंबर 13 को यहाँ पे होगी। 5 असेंबली सेशन की बात करी जा रही है जो अभी तक हुई है, तो छठा असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे होने वाला है। 2025 की जो बजट थी इस असेंबली की, वो भी बिना डिस्कशन के पास कर दिया गया। अब इशू क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अगर गिनाऊ मैं तो यहाँ पे निकल के आ रहा है। सबसे पहले आप कहीं ना कहीं लीगल प्रोसीजर फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो आपका असेंबली का रूल्स है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही कैसे आएगी अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे। जो भी वहाँ पे एमएलए हैं उनकी अगर बात करी जाए तो वो कहीं ना कहीं डिस्कशन नहीं कर रहे हैं किसी इशू पे, तो उनकी क्या भूमिका है, रोल क्या रह गई। तो जब डिस्कशन ही नहीं करना है, केवल एक ही व्यक्ति ले ले करके उस बिल को अगर पास करवा देता है कैसे भी, तो यहाँ पे सही मायने में डेमोक्रेसी सिस्टम रही कहाँ? तो डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे रही नहीं। अब यहाँ पे अगर हम सीटिंग की बात करें तो जो नंबर आप सीटिंग है झारखंड असेंबली में ओवर द ईयर आप देख सकते हैं कितने, 2000 में मात्र 4 हुए हैं, फिर 2009 में तो कट ही गए, 2024 में आए तो यहाँ पे 15 के आसपास। देखिए कभी 35-36 पहुंचा था, आज 15 आधे पे से भी नीचे है। तो किस हिसाब से 2024 में इस प्रकार से बातें चल रही हैं कि हम बिना डिस्कशन के ही असेंबली में कोई भी इशू ले आकर के पास कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद समाचार है भारत के परिदृश्य की अगर बात करें। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, जो बिल पास हुए हैं वो जिस दिन इंट्रोड्यूस हुआ है उसी दिन पास हुआ है। दूसरा, बिल पास्ड मोर देन 8 डे आफ्टर इंट्रोडक्शन, तो जो ये इस प्रकार के कलर हैं तो वो कुछ दिन लगे हैं, यानी उनमें कुछ समय लग गया है पास होने में। अब बाकी ये जो नीली वाली लाइन है वो जिस दिन पास हुआ उसी दिन पास हो गया, जिस दिन इंट्रोड्यूस हुआ उसी दिन पास हो गया। 2001 में तो कोई बात ही ना करिए, पूरा का पूरा नीला है, 2 में भी नीला है, 3 में थोड़ा सा डिले हुआ, 4 में नीला, यहाँ पे नीला 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 सागर ही है। ये देखिए ये सारे के सारे नीले सागर ही हैं, यानी डिस्कशन कहाँ हुआ है 23-24 में बताइए हमको। तो जब डिस्कशन ही नहीं होगा, यही रिपोर्ट दिखा रहा है, डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, तो कितनी बड़ी इशू निकल के आ रही है। दूसरा चार्ट ये शो कर रहा है कि नंबर आप बिल पास्ड हुए हैं और नंबर आप बिल रेफर टू कमेटी, तो जो कमेटी होती है असेंबली की कमेटी होती है, पार्लियामेंट की अगर बात करें तो उसकी अपनी कमेटी होती है, असेंबली की अपनी कमेटी होती है। कमेटी में जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो डिटेल डिस्कशन करते हैं पॉइंट पे और अपना रिपोर्ट भेजते हैं किसको, इस असेंबली मेंबर को। तो यहाँ पे ये लोग चेक करते हैं कि इसमें क्या हमको रखना है क्या नहीं रखना है, उनकी रिकमेंडेशन जाती है। अब यहाँ पे 2001 से 5 के बीच में बात करी जाए तो नंबर ऑफ द बिल्स रिफर्ड कमेटी में 0 है, यहाँ 5-8 में देखा जाए तो 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो कमेटी से कुछ पूछना ही नहीं है, कमेटी का कोई रोल ही नहीं है, हटा दिए हैं, लगभग हटा दिए। ड्यूरेशन आप बजट डिस्कशन की बात करें तो ओवर ईयर एक ही डे में अगर बात करें तो 2024 में देखिए 3 दिन हुआ, यहाँ पे बजट डिस्कशन 10 दिन हुआ, 23 में यहाँ पे 3 ही दिन हुआ, इस प्रकार की बात चल रही है। शेयर आप बिल पर्टेनिंग टू सेलेक्ट टॉपिक, यानी किस टॉपिक पे यहाँ पे डिबेट डिस्कशन चल रही है। तो फिनांस टैक्सेशन की शेयर की बात करी जाए तो 30% शेयर यहाँ पे रख रही है। शेयर ऑफ द बिल पर्टेनिंग टू सेलेक्ट टॉपिक्स, एजुकेशन में 27 है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ जस्टिस है, लोकल गवर्नेंस है, लेबर है, अदर है, इस प्रकार की चीज। बजट पास विदाउट डिस्कशन, तो कितना यहाँ पे प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है परसेंटेज में, कितने परसेंटेज बजट का जो टॉपिक है बिना ऐसे ही डिस्कशन के चली गई थी, 21% यहाँ पे तो 0 पूरा का पूरा, यहाँ पे
53%, यहाँ पे 75%, 97%, 21-22 में कुछ हुआ था। यहाँ पे 97% विदाउट डिस्कशन चली गई, ये याद रखिएगा, 97% बहुत ज्यादा आंकड़ा होता है। तो ये जो बुलेटिन और झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का चीजें आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, वो बहुत ही चिंताजनक विषय है। किसी भी कंट्री में लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर इस प्रकार की चीजें होने लगी, तो मान के चलिए वहां पे केवल और केवल क्या होगा, वहां पे नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जाएगी, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो मेरा क्वेश्चन आपसे इस स्लाइड पे यही रहा कि झारखंड में टोटल असेंबली की सीट कितनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं, MiG-29, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, MiG-29 फाइटर किस कंट्री से हम लोगों ने खरीदा था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और यहाँ पे आगरा के आसपास यहाँ पे MiG-29 क्रैश हुआ है। खुशी की बात यह है कि जो पायलट था वो अपने आप को इजेक्ट कर लिया है। एक प्रोसेस होती है, जब आप क्रैश करने जाते हैं तो वहां पे इजेक्ट कर लेंगे तो आप बाहर सीट से निकल जाते हैं। दूसरी, इंडिया और अल्जीरिया दोनों अपने डिफेंस कोऑपरेशन में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जिसके कारण चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सीडीएस कौन है, अनिल चौहान जी, और अल्जीरिया के यहाँ पे चीफ, इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ। तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन निकल के आता है अल्जीरिया से, हम लोग देखेंगे। जाहिर सी बात है, भारत अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्टिंग डिफेंस में दोनों ऊपर कर रहा है तीव्र गति से, तो और भी सारी कंट्री निकल के आ रही है, क्योंकि हम लोग इतने सारे टेस्ट भी कर रहे हैं तो हम लोग ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ पे अमेरिकन म्यूजिक मास्टरमाइंड क्विंसी जॉन्स, इनका नाम याद रखिएगा, क्विंसी जॉन्स, 91 साल की उम्र में इनका देहावसान हो गया। इन्होंने बहुत सारे की करियर बनाने में अपना अहम रोल प्ले किया, जैसे माइकल जॉन्स, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। माइकल जॉन्स का भी इन्होंने जिंदगी बताया। म्यूजिक के फील्ड में अगर बात करें तो क्यूसी जॉन्स की ये सारी की सारी डिटेलिंग थी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट, अगर लेबनान की बात करें तो टोटल 3000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है इजराइल और हिजबुल्ला वार में। तो ये दो ग्रुप हैं, दो कंट्री की दो ग्रुप हैं, जो कहीं ना कहीं आपस में ही अब लड़ रही हैं। किस इशू को लेके, फलस्तीन वाले इशू को लेके, अपने अपने कंसर्न को लेके आपस में लड़ाई हो रही है। लेबनान की अगर बात करें तो लेबनान कहाँ है, सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये गाजा है, ये वेस्ट बैंक है, और ये आपका इजराइल है। तो इजराइल ये वाले पार्ट है, और ये गाजा और जो ये दिखा रहा हूँ ये फलस्तीनी ने ऑक्यूपाई किया है, ये फलस्तीन का है ही, पूरा का पूरा इजराइल फलस्तीन का ही था। अगर बात करी जाए इस स्लाइड में तो ये देखिए, हरे वाले जितने थे वो फलस्तीन थे यहाँ पे, लेकिन बाद में इजराइल बनते चले गए, पूरा व्हाइट, और ये सिमट के यहाँ पे रह गए। तो ये कहानी हुई है जो आपको मुझे बतानी थी। तो यही चीजें चल रही हैं इस स्लाइड में आपको दिखना। लेबनान कहाँ है, ठीक सटे बॉर्डर है लेबनान का, यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच करती है लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, ये याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो और बैकग्राउंड सारी डिटेलिंग अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।